सब्सक्राइब करें फैशन जर्नी को और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक गाइस। आज हम सीमेंट से ए यूनिक सा ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर बनाना सीखेंगे, जो आप ग्रे सीमेंट या कोई भी इजीली अवेलेबल वाइट सीमेंट से भी इसको बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे लास्ट वीडियो के शॉर्ट आउट्स, जो कि स्क्रीन पर दो नाम आपको दिख रहे हैं, मेरे नेक्स्ट वीडियो के शॉर्ट आउट्स आप बन सकते हैं। सिर्फ आपको मेरे वीडियोस को शेयर करना होगा, पूरा वीडियो देख के कमेंट करना होगा। तो चले हम शुरू करते हैं। पहले आप एक कंटेनर में सीमेंट ले लें और उसको पानी मिला के इसको मिक्स कर लें, और इसको बहुत गाढ़ा ना बनाएं क्योंकि इजीली ग्लव्स में इसको आप पोर कर सके। तो मैं यहाँ पर रबर ग्लव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। इसमें हम सीमेंट को डाल देंगे। आप देख सकते हैं कौन सी कंसिस्टेंसी में मैंने इसको बनाया है, ताकि इजीली हम ग्लव्स में पोर कर सके। गाइस, इस सीमेंट को आप ग्लव्स में डालने के बाद आप ऐसे भी ओपनली इसको ड्राई अप कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे ग्लव्स लंबा होने की वजह से इसको इस तरह से टाई अप किया है। आप 24 आवर्स इसको टाई करें और उसके बाद इसको निकाल के ग्लव्स को सेपरेट कर लेंगे। गाइस, अगर आप ये वीडियो मेरा फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। ये मेरा फर्स्ट आर्ट वीडियो है, इंशाल्लाह आगे भी बहुत सारे आर्ट रिलेटेड वीडियोस मैं अपलोड करूंगी मेरे चैनल पे। गाइस, नेक्स्ट आप ग्लव्स को सेपरेट करने के बाद आप फिर 24 आवर्स इसको ड्राई अप करेंगे सनलाइट में, इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नेक्स्ट हम जो भी कलर आपको पसंद है वो कर लेंगे। आप यहाँ पे स्प्रे पेंट इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर ऑयल पेंटिंग, बट मैं यहाँ पे इजीली अवेलेबल जो मेरे घर पे है एक्रिलिक पेंट, इसको इसे कलर अप कर रही हूँ। इस मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट्स में इंशाल्लाह यूनिक सा फैशनेबल टॉप होगा मेरे स्टिचिंग प्रोजेक्ट्स में, और आर्ट प्रोजेक्ट्स में पॉट मेकिंग होंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कनेक्ट में ज़रूर रहे। और आपको ये वीडियो, ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइजर मेकिंग कैसा लगा है आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। यहाँ तक मेरा वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।